मैं सियासी बंदा कोई राह दिखा दिखा मैं सियासी बंदा नहीं हूँ, ठीक है, मैं लीडर बंदा हूँ, ठीक है, बी ओ पाकिस्तानी आप बिलीव करें, एम क्यू एम जो भी है तंजीम, मैं आज तक मेरा खाली इस टी वी पर कभी उसका नाम नहीं आया, मैं उसका कोई हमदर्द नहीं हूँ कुछ नहीं। आपने प्रोग्राम देखा था, फाक अहमद साहब आए हुए थे लास्ट वीक। अच्छा नहीं मैंने नहीं देखा, हकीकी एम क्यू एम के वो हकीकी मैंने नहीं देखा। मैं आपको टू बी ऑनेस्ट बताऊँ ना सर, उस तंजीम का जो भी है मेरा कराची से ताल्लुक है, मैं हूँ वैसे पंजाब से, लेकिन रेजिडेंस कराची में, आप यकीन करें इतना काम हुआ कराची में। या बिल्कुल, उस कराची को वो कराची नहीं बना दिया उन्होंने, यकीन करो कि हांगकांग और सिंगापुर की शक्ल देती है, ठीक है, और इतना नज्म जब्त है उनमें, आप यकीन करें कि जो एम एन एस और एम पीज उनके अला खुदा की कसम गरीब फैमिली से जो बंदे आए हैं, ये बात मानने वाली, ठीक है, गरीब बंदे आए हैं, वो नहीं है कि जी चौधरी बरादरान है या फलाना है तो ढिमकाना है जी, जल्दी कुश्ती बने आ रहे हैं। अब यकीन करें इतना नजमो जब्त है और सिस्टम उन्होंने इतना जबरदस्त बनाया हुआ है, उस चीज की जरूरत है हमारे मुल्क में। ये चीजें खत्म होनी चाहिए, सरमायादारी और ये जो जो आते हैं ना जागीरदार टाइप लोग, इन लोगों को खत्म होना चाहिए। इनके अलावा तो सरमायादारी और जमींदारी के अलावा तो किसी सोच ही नहीं है हमारे पास यार कामराम। सर सोच तो ये अवाम ने बना ली है ना, लेकिन अवाम तो मजबूर है दो टाइम की रोटी के लिए। सर अवाम के सर पे आप गोली बंदूक रखेंगे तो क्या करेगी अवाम, मैं आपके सर पे बंदूक रखूंगा तो आप क्या करेंगे, जान सबको प्यारी है, ये चीजें खत्म होनी चाहिए। लेकिन जो मेरा मतलब है कामराम भाई, वो रोटी को तरस रहे हैं दो टाइम की को, जो छह